आज सुबह 11:30 बजे टांडा तहसील के अंतर्गत आने वाले सुरापुर बाजार के दहियार गेट से जूनियर हाई स्कूल तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तानियों का पुतला जलाकर आक्रोश प्रकट किया गया। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को सभी धर्म समुदाय के लोगों ने मिलकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में उपस्थित सैयद रजा जैदी, दिनेश वर्मा, शबी हैदर, गुड्डू यादव, संदीप गुड्डू गोड़, चंद्र प्रकाश वर्मा, अम्मार जंग बहादुर, सपा नेता गोविंद यादव, आलम जैदी, हुसैन शबी अब्बास, अभिनाश गौरे, मजाहिद या जाहिद अब्बास आदि मौजूद रहे। साथियों, जो दो दिन पहले आतंकवादी घटना हुई है उसके समर्थन में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे शोक सभा किए और जो है उस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम सब लोग आतंकवाद को जो है समूल नाश का जो है आज संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जो आतंकवादी घटना हुई है, आप क्या चाह रहे हैं, सरकार कैसे कार्रवाई करे इस घटना की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना पर सबकी तरफ से शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीद जवानों को, और दूसरी तरफ से मेरा ये मानना है कि लड़ाई तो सरकार लड़ने के मूड में है, प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि सबसे पहले पाकिस्तान से सारे आर्थिक संबंध समाप्त कर देने चाहिए। इसके बाद फिर पाकिस्तान स्वतः अपनी हैसियत में आ जाएगा, हिंदुस्तान का धन भी बचेगा, हिंदुस्तान की सैनिक शक्ति भी सुरक्षित रहेगी और पाकिस्तान अपने आप आतंकवाद की उसी कमर टूट जाएगा। प्रयास करते हैं और बच्चों के सामने इसलिए कर रहे हैं, बच्चे तो छोटे हैं लेकिन आज हमारी जो बच्चियां कक्षा 8 में पढ़ती हैं चीजों को बलिबान समझ सकती है कि देश की आजादी की लड़ाई में अगर एक तरफ इलाहाबाद की सरजमी पर कंपनी गार्डन में चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी, लाहौर की धरती पर भगत सिंह को फांसी हुई, यही फैजाबाद की सरजमी पर हाकुल्ला खां को भी फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया। देश की आजादी में अगर एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर ने भी सब कुछ न्यौछावर किया था। मेरा कहने का मतलब यह है, ये हिंदू मुसलमान ये देश के अंदर, अभी मैं कल टीवी डिबेट देख रहा था, कुछ लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में मुसलमान शामिल रहता है, इसलिए जो हमारे यहाँ का मुसलमान है वो भी गद्दार है। इसलिए हमको, आपको, हम लोगों को इस बात को भली बात समझना चाहिए।